तो चलिए आज की फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं बिंदास काव्या के बारे में। तो गाइस आज मेरे पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको पता ही होगा रिसेंटली बिंदास काव्या जब मिसिंग हो गई थी तो उन पर काफ़ी सारी वीडियो बनी थी एंड उन्हीं में से कुछ वीडियो बीबीजी ने बनाई थी एंड अब बिंदास काव्या उनको इनडायरेक्टली रिप्लाई की। आप देखिए, ये जो कुछ टॉक्सिक यूट्यूबर्स है ना जो जबरदस्ती मेरी हेल्प किए जा रहे हैं, जबरदस्ती पता नहीं मुझे किससे बचाना चाह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अरे भाई मत करो मेरी हेल्प, मुझे है ना किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगी, ठीक है। और मेरी हेल्प करने के लिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, पुलिस भी मेरे साथ है, ठीक है। 2 साल पहले यही सब लोग है ना मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियो 10-12 एक्सपोज वीडियो बना चुके हैं, मुझे इतना हैरेसमेंट कर चुके हैं, तब तो याद नहीं आई आपको हेल्प करने की, तब तो किसी ने हेल्प नहीं की। अब सब बात लीगल हो गई है, सब लीगल हो गया है, तो आप बराबर आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। तब मेरे सब्सक्राइबर इनसे कम थे, आज मेरे सब्सक्राइबर इतने बड़े हो गए, तो इनको है ना यही बात सहन नहीं हो रही है कि मतलब एक 16 साल की बच्ची आके इतने बड़े सब्सक्राइबर कैसे ले गई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट है न्यून मैन और न्यूज बॉय के बारे में। तो शायद उनका भी कोई चैलेंजिंग वीडियो आने वाला है। फुकरा इंसान के चैनल पर रिसेंटली फुकरा इंसान ने स्टोरी अपलोड की न्यून मैन और न्यूज बॉय के साथ, कॉन्ट्रोवर्सी ऑन इट्स वे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। तो शायद सौरभ जोशी का बहुत जल्द एमवीवी के साथ कोलैब आ सकता है, रिसेंटली वो लाइव आए थे उसके बारे में बात किया। आप देखिए, नेक्स्ट कोलैब भाई एमवीवी को भी व्लॉग में लाओ भाई, एमवीवी से बात होती है मेरी, लाएंगे जरूर कभी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट है गौरव जोन के बारे में। तो आपको पता ही होगा गौरव जोन कैसे वीडियो बनाते हैं, बहुत बार लोग बुरा मान जाते हैं, तो वो कुछ स्टोरी पोस्ट की ये बताते हुए कि उनके वीडियो जो होते हैं वो ओनली एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। कि गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मैं व्लॉग्स में हंसी मजाक करता हूँ थोड़ा, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोगों को मजा आता है, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि उसको एज ए एंटरटेनमेंट ही रखा करो, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये रहता है ज्यादा से ज्यादा लोग को मैं एंटरटेन कर पाऊँ उनका। मतलब क्या है, लोग आदमी थक हार के जॉब से परेशान होके घर आता है, तो जब भी वो व्लॉग देखे उसके चेहरे पे मुस्कान हो। तो देखो नज़रिया लोगों का अलग होता है, कुछ लोग देखते हैं कि आधा ग्लास भरा है, कुछ लोग देखते हैं आधा खाली है, तो 100% लोगों को तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जोक से ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो यही मोटिव रहता है मेरा। और मैं यही आपसे बोलूँगा कि इसको एज अ मजाक के तौर पर लिया करो, ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है और हंस खेल के बिता दो भाई। तो बस आज के लिए इतनी अपडेट थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना।